इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिसमेंट इज़ अ प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस और इम्पैक्ट्स बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स ऑफ अ प्रपोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड टू एंश्योर दैट दीज इफेक्ट्स आर टेकन इन टू अकाउंट इन प्रोजेक्ट डिजाइन। द ई आई ए इज अ देयर फॉर बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस। दिस इम्पैक्ट कैन इंक्लूड ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल सोशल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिसमेंट एक प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल परिणामों या प्रभावों की जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। मान लो कि हम कोई माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले क्या क्या उस जगह पे इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट आ सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बाय केमिकल इमिटेड फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशन, पॉल्यूट्स एयर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, हार्म्स वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट। ये सब जो इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस या फिर इम्पैक्ट है, इसकी जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो प्रोसीजर होती है, उसे ही EIA कहा जाता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना के डिजाइन में इन प्रभावों को ध्यान में रखा गया है, इसलिए EIA प्रिडिक्शंस पर आधारित होता है। इन प्रभावों में नेचुरल, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के सभी रिलेवेंट एस्पेक्ट शामिल हो सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ EIA इज to inform decision maker of the likely impacts of a proposal before a decision is made. EIA का मुख्य उद्देश्य डिसीजन लेने वाले को डिसीजन लेने से पहले प्रस्ताव के संभावित प्रभावों के बारे में सूचित करना है। EIA provides an opportunity to identify key issues and stakeholders early in the life of a proposal so that potentially adverse impacts can be addressed बिफोर फाइनल अप्रूवल डिसीजन्स आर मेड। EIA एक प्रस्ताव के जीवन में प्रमुख मुद्दों और हितधारकों की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि अंतिम अनुमोदन निर्णय लेने से पहले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को संबोधित किया जा सके। The EIA process in India is made up of the following phase. भारत में EIA प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से बनी है। फर्स्ट है स्क्रीनिंग, सेकेंड है स्कोपिंग एंड कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, थर्ड है बेसलाइन डेटा कलेक्शन, फोर्थ है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, फिफ्थ है असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, डिलीएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट पब्लिक। सिक्स्थ पॉइंट है पब्लिक हियरिंग, सेवन्थ पॉइंट है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, एट्थ है डिसीजन मेकिंग, नाइन्थ है मॉनिटरिंग द क्लियरेंस कंडीशंस। ऑल फेजेस के डिटेल नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए अब मॉक प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ EIA इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है अ प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट्स बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स ऑफ अ प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। एक प्रस्तावित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल परिणामों या प्रभावों की लाभकारी और प्रतिकूल दोनों की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, दी ई आई ए इज देयर फॉर बेस्ड ऑन, करेक्ट आंसर इज प्रिडिक्शंस। EIA प्रिडिक्शंस पर आधारित होती है, मतलब कि भविष्यवाणियों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, इन EIA इम्पैक्ट्स कैन बी इंक्लूड ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। EIA में नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये सभी रिलेवेंट एस्पेक्ट इंक्लूड रहते हैं।